अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों के बारे में क्या बोलना चाहिए इसका एक नया नमूना देश के सामने रखा है। वहाँ जो मौजूद थे इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो या अन्य कुछ राज्य के मुख्यमंत्री थे, कई भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे जिनके हाथ में स्टेट चलाने की जिम्मेदारी है और लोगों का समर्थन है। ऐसे साथियों के बारे में इस तरह का स्टेटमेंट करना कहाँ तक सुविधायक है, इस बारे में प्रधानमंत्री ने सोचने की आवश्यकता है। मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, मगर साथ साथ उन्होंने हम लोगों का भी उल्लेख किया है। एक इसमें शिखर बैंक का उल्लेख उन्होंने किया है, जहाँ तक शिखर बैंक महाराष्ट्र की है, मैं इस शिखर बैंक में कभी मेंबर नहीं था, आज भी नहीं है, और शिखर बैंक से कोई लोन या कुछ फाइनेंशियल कोऑपरेशन कभी हमने किया नहीं। इसलिए जिस संस्था में हम सदस्य ही नहीं, इस संस्था के बारे में कुछ इल्जाम लगाना कहाँ तक ठीक है, इस पर मैं कोई ज़्यादा भाषण नहीं कर रहा था। और दूसरा कि उन्होंने एजुकेशन या इसके बारे में कुछ बातें कही है, सिर्फ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किसी इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में की वो देखने के बाद ही पता लगेगा कि वो जो कहा है वो सच, लेकिन सच्चाई के आसपास नहीं है।